फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी जोन, नेवर स्टॉप लर्निंग। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हाइड्रोजन चैप्टर। लेन्स प्रोसेस बाय पासिंग स्टीम ओवर स्पॉन्जी आयरन एट 773 टू 1050 के 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। द फेरोसोफेरिक ऑक्साइड Fe3O4 सो प्रोड्यूस्ड इज रिड्यूस्ड बैक टू आयरन विद वाटर। दिस रिएक्शन इज नोन एज विविफिकेशन रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शन को हम विविफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। Fe3O4 प्लस 4H2O गिव्स 3Fe प्लस 4H2O। Fe3O4 प्लस 4CO गिव्स 3Fe प्लस 4CO2। बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स इज यूज फॉर द बल्क प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एसिडिफाइड वाटर जो होता है यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स फॉर यूज होता है फॉर द बल्क प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स एल्केन्स रिएक्ट विद स्टीम। वो स्टीम से रिएक्ट करते हैं हाई टेम्परेचर पे प्रोड्यूस करने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। एग्जाम्पल C4CH4 प्लस H2O गिव्स CO प्लस 3H2। द मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 सो ऑब्टेन्ड कैन बी कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन एज इन बॉश प्रोसेस। जो मिक्सचर है CO एंड H2 का वो ऑब्टेन हुआ है उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं हाइड्रोजन में बॉश प्रोसेस से। अबाउट 77% ऑफ द वर्ल्ड्स प्रोडक्शन ऑफ H2 इज ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए कि जो 77% है वर्ल्ड पॉपुलेशन की H2 की वो ऑब्टेंड हुई है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द ब्राइन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ Cl2 एंड NaOH। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाईहाइड्रोजन। इट इज़ अ कलरलेस, ये कलरलेस टेस्टलेस एंड ओडरलेस गैस होती है। स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होती है और हाईली कंबस्टिबल होती है। द फिजिकल कॉन्स्टेंट्स ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन आर एटॉमिक रेडियस 37, आयनिक रेडियस ऑफ H- आयन PM 210, आयनाइजेशन एनर्जी 1312, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 72.8, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाईहाइड्रोजन। डाईहाइड्रोजन इज क्वाइट स्टेबल एंड डिसोसिएट्स इनटू हाइड्रोजन एटम्स ओनली व्हेन हीटेड अबव 2000 K H2 2000 K, देन इट ब्रेक्स डाउन इनटू H+H। इट्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज वेरी हाई। H2 गिव्स H+H डेल्टा एच इक्वल्स टू 435.9 किलोजूल पर मोल। ड्यू टू इट्स वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इट इज़ नॉट रिएक्टिव, इट इज़ नॉट वेरी रिएक्टिव। उसकी जो हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है उसकी वजह से वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता। हाउएवर वो कंबाइन करता है विद मैनी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एक्शन विद मेटल्स टू फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्राइड्स 2Na प्लस H2 ऑन हीटिंग गिव्स 2NaH। Ca प्लस H2 ऑन हीटिंग गिव्स CaH2। विद ट्रांजिशन मेटल्स एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक सच एस Pd, Ni, Pt एटसेट्रा डाईहाइड्रोजन फॉर्म इंटर स्टीशियल हाइड्राइड्स इन विच द स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ डाईहाइड्रोजन ऑक्यूपाई द इंटर स्टीशियल साइट्स इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ दीज हाइड्राइड्स। एज अ रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटर स्टीशियल हाइड्राइड्स ये मेटल जो होते हैं एब्जॉर्व करते हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन उनके सरफेस पे। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस, इस प्रॉपर्टी ऑब्जॉर्प्शन ऑफ गैस की प्रॉपर्टी को मेटल के द्वारा उसे हम ऑक्लूजन कहते हैं। द ऑक्लूडेड हाइड्रोजन कैन बी लिबरेटेड फ्रॉम द मेटल्स बाय स्ट्रॉन्ग हीटेड। रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, जब रिएक्शन विद नॉन मेटल्स होता है तो क्या होता है। 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, H2 प्लस F2 गिव्स 2HF, H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, H2 प्लस Br2 गिव्स HBr, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन टूवर्ड्स डाईहाइड्रोजन डिक्रीजेस एज F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Bl2 Br2 ग्रेटर देन I2। एज अ रिजल्ट F2 रिएक्ट्स इन डार्क
Cl2 in the presence of sunlight. Br2 reacts only upon heating, while the reaction with I2 occurs in the presence of a catalyst. Reaction with unsaturated hydrocarbons. H2 जब रिएक्ट करता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे कि एथिलीन एक्टिलीन टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. H2C इक्वल्स टू CH2 प्लस H2 गिव्स CH3 दैट इज इथेन. HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2H2 गिव्स CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 दैट इज इथेन. This reaction is used in the hydrogenation of hardening of oils. इस reaction को use करते हैं hydrogenation और hardening, जो oil की hardening होती है उसके लिए इस reaction को हम लोग use करते हैं. Vegetable oils जैसे कि groundnut oil या फिर cotton seed oil, वो saturated होते हैं in nature just because they contain at least one double bond in their molecules. Dihydrogen is passed through the oils at about 473 K in the presence of catalyst to form solid fats. The vegetable ghee such as dalda, rat etc. जो घी होते हैं वो prepare किए जाते हैं इस process से. Vegetable oil liquid plus H2 gives fat solid. Uses of dihydrogen as a reducing agent in the hydrogenation of vegetable oils as a rocket fuel in the form of liquid H2. In the manufacture of synthetic petrol, in the preparation of many compounds. Synthesis of ammonia by Haber's process. N2 plus 3H2 gives 2NH3. Preparation of HCl, H2 plus Cl2 gives 2HCl. Gives 2HCl aqueous acid. Synthesis of methyl alcohol. H2 plus CO plus H2 gives CH3OH. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेगा और इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा. थैंक यू.